फहद हारून, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया और आईटी के शोबे का बड़ा नाम, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आपको इस नामजदगी के बारे में, इस नाम के बारे में बता दें, आईटी और मीडिया के शोबे में नुमाया खिदमात पर ही सदर मुमलिकत ने उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजने का ऐलान किया है और ये एजाज 23 मार्च को दिया जाएगा। फहद हारून तकनीकी महारत और सियासी बसीरत के साथ खुदादाद सलाहियतों के मालिक, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत हर शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। बाद हारून ने कौमी और बैन अल-अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इनकलाबी किरदार अदा किया। उन्होंने आईटी के मैदान में गैर मामूली कामयाबियां समेटी, डिजिटल मीडिया को परवान चढ़ाने में पेश पेश रहे और पाकिस्तान को इस शोबे में अहम मकाम दिलाया। फहद हारून अहम सरकारी अहदों पर भी फाइज रहे। साबिक वजीर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान के मुआविने खुसूसी बराए पब्लिक कम्युनिकेशन भी रहे, चेयरमैन प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कमेटी और बतौर मेंबर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन भी खिदमात सर अंजाम दी। फहद हारून की वालदा मरहुमा फरीहा रजाक भी एक काबिले एहतराम सहाफी और साबिक रुकने पार्लियामेंट रहीं। फरीहा रजाक को भी इनकी शानदार खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। फहद हारून को सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया। ये इनके खानदान के लिए दूसरा सिविल अवार्ड है जो इन्हें 23 मार्च 2024 को दिया जाएगा।